चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। पंजाब राज्य के दक्षिणी भाग में बसा राज्य के 23 जनपदों एवं पीबी 31 से पंजीकृत वाहनों का स्वामी विख्यात पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का शहर मानसा। मानसा शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के उत्तरी छोर पर स्थित मानसा कैंचियां चौक से। इस महत्वपूर्ण चौराहे से उत्तर की सड़क बरनाला की ओर, पूर्व की सड़क पटियाला की ओर, पश्चिम की ओर सड़क बठिंडा एवं दक्षिण में सिरसा रोड मानसा शहर की ओर प्रवेश करता है। मानसा शहर में वर्तमान में लगभग 1 लाख की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से पंजाब राज्य का 28वां सबसे बड़ा शहर है। यह पंजाब के 28 उन शहरों में गिना जाता है जहां 1 लाख अथवा इससे अधिक की जनसंख्या निवास करती है। राज्य के सुदूर दक्षिणी भाग में बसा यह शहर मानसा जिले का मुख्यालय है एवं फरीदकोट मंडल में आता है। सिरसा मार्ग मानसा शहर के पश्चिमी छोर से होकर ग्रैंड मॉल, नेहरू मेमोरियल, गवर्नमेंट कॉलेज आदि से होते हुए टी पॉइंट, रेलवे उपरगामी सेतु, बाहरली अनाज मंडी से होकर सिरसा की ओर प्रस्थान कर जाता है। टी पॉइंट महत्वपूर्ण तिराहे से पूर्व की ओर लिंक रोड के रूप में एक मुख्य सड़क मानसा मुख्य शहर की ओर प्रवेश करती है। मानसा 1754 में पटियाला रियासत के अधिकार में आया। देश के आजाद होने तक यह पटियाला रियासत में ही सम्मिलित रहा। आजादी के पश्चात पेप्सू राज्य का गठन हुआ एवं मानसा को बठिंडा जिले की एक तहसील के रूप में पहचान मिली। 1956 में पेप्सू का विलय पंजाब राज्य में हो जाने पर मानसा भारतीय पंजाब राज्य का हिस्सा बना। लिंक रोड पूर्व की ओर बढ़ते हुए ठीकरी वाला चौक पर पहुंचता है। यह चौराहा मानसा शहर का बेहद महत्वपूर्ण चौराहा है। इसी चौराहे पर मानसा का रोडवेज बस अड्डा स्थित है, जहां से आसपास के शहरों के लिए बड़ी संख्या में बस सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीकरी वाला चौक से उत्तर पूर्व में न्यू कोर्ट रोड, दक्षिण पश्चिम में वनवे रोड एवं दक्षिण की ओर सिनेमा रोड प्रारंभ होता है। सिनेमा रोड पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। मानसा 1992 तक बठिंडा जिले की एक तहसील के रूप में ही जाना गया। 1992 में राज्य सरकार द्वारा बठिंडा जिले के दक्षिणी भाग को अलग कर मानसा जनपद की स्थापना की गई। वर्तमान में मानसा जिला कुल 3 तहसीलों मानसा, सरदूलगढ़ एवं बुदलाडा में विभाजित है। सिनेमा रोड रेलवे लाइन को पार करके मानसा सदर क्षेत्र में गौशाला मार्ग से जुड़ जाता है। गौशाला मार्ग पश्चिम से पूर्व की ओर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ती है। इसी मार्ग पर मानसा शहर कोतवाली का परिसर भी स्थित है। गौशाला मार्ग शहर के आधुनिक बाजारों में एक है। अनेकों ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम यहां स्थापित हैं। पूर्व की ओर बढ़ते हुए गौशाला मार्ग से उत्तर में मानसा रेलवे स्टेशन का परिसर स्थित है। यहां से दिल्ली, मुंबई, गंगानगर, बठिंडा, फिरोजपुर, रोहतक, आगरा, मथुरा आदि महत्वपूर्ण शहरों के लिए रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। गौशाला मार्ग के दक्षिण में शहर के अनेकों प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल रोड आदि स्थित हैं। जिला बनने के पश्चात मानसा तेजी से व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा है। मानसा शहर को कुल 3 थाना कोतवाली क्षेत्रों मानसा शहर प्रथम, मानसा शहर द्वितीय एवं थाना सदर मानसा में विभाजित किया गया है। ठीकरी वाला चौक से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली सड़क न्यू कोर्ट रोड भी शहर की मुख्य सड़कों में एक है। इस मार्ग पर शहर में बसी हुई नई आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। गुरु गोविंद सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, गुरु अर्जुन देव नगर, टीचर्स कॉलोनी आदि आवासीय क्षेत्र इसी मार्ग से सटे हुए हैं। यह सड़क मानसा खुर्द से होकर पटियाला की ओर जाने वाले मार्ग पर जुड़ जाती है। इसी मार्ग पर जिला न्यायालय एवं जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय स्थापित हैं। ठीकरी वाला चौक से दक्षिण पश्चिम की ओर आने वाला वनवे रोड रेलवे लाइन पर आकर समाप्त हो जाता है। मानसा शहर में आना, इसे कैमरे में कैद करना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मानसा पर बनाई यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें
जो मानसा शहर अथवा जिला मानसा से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।